दुनिया को कोरोना महामारी देने वाले चीन ने एक ऐसी हरकत की है जिसके बाद आप भी कहेंगे चीन की सरकार कितनी ज्यादा गिरी हुई है। दरअसल भारत में फैले चीनी वायरस यानी कोरोना ने जमकर तबाही मचाई हुई है। ऐसे में हर देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहा है, लेकिन चीन की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP ने इंटरनेट पर एक पोस्ट किया है जिसमें उसने भारत में फैले COVID-19 संकट का मजाक बनाया है। लेकिन चीन का भारत की खराब छवि पेश करने का ये कुप्रयास उल्टा उसकी छवि पर ही भारी पड़ गया है। खुद चीन के लोग चीनी सरकार की इस हरकत की जमकर आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद शर्म से डूबी चीनी सरकार को अपना ये पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। बता दें चीन की CCP की ओर से इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर चीनी लॉन्ग मार्च 5B कैरियर रॉकेट के विस्फोट करने की एक फोटो साझा की गई। इसके साथ ही भारत में रात के समय जलती चिताओं का भी फोटो लगाया गया था और बड़ी बेशर्मी के साथ इस फोटो के नीचे कैप्शन लगाया गया था कि चीन का आग लगाना बनाम भारत का आग लगाना, मतलब कोई इतने नीचे कैसे गिर सकता है। हालांकि इसके बाद जो हुआ शायद चीन की सरकार कभी भूल नहीं पाएगी, जिस खाते से भारत में मौजूद COVID-19 के हालात का मजाक बनाने की कोशिश की गई वो चीन की सत्तारूढ़ पार्टी के शक्तिशाली धड़े सेंट्रल कमीशन फॉर पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स का है। चीनी यूजर्स ने सरकार को इस पर खूब खरी खोटी सुनाई। चीनी यूजर्स ने सरकार की ओर से किए गए पोस्ट पर नाराजगी जताई और कहा कि ये पूरी तरह से मानव जीवन का अपमान है। चीनी यूजर्स ने सरकार की ओर से किए गए पोस्ट पर नाराजगी जताई और कहा कि ये पूरी तरह से मानव जीवन का अपमान है। कुछ चीनी यूजर्स ने लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पोस्ट चीनी सरकार के खाते से की गई है। आपको दूसरों की तकलीफ से अपने देश का गौरव बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसे मंजूरी कैसे मिली? ये पूरी तरह से मानव जीवन का अपमान है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट की निंदा चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक जियोन ने भी की और इसे बहुत ही खराब पोस्ट माना। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारत का मजाक चीन के किसी आधिकारिक इंटरनेट खाते के जरिए या अन्य सशक्त ताकतों के जरिए बनाना एकदम गलत कदम है। खैर, जिस तरह से चीनी नागरिकों ने इस पोस्ट को धिक्कारा उसके बाद जिनपिंग सरकार ने इसे तुरंत हटा लिया। कुछ भी हो, लेकिन चीन पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, मुंह में राम बगल में छुरी, क्योंकि हाल ही में सी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देकर कोरोना महामारी के हालात से निपटने में मदद की पेशकश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।